हेलो एंड वेलकम, मैं हूं वर्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं बजुका। फिल्म सलार को लेकर काफी लंबे समय से बस चल रहा था, जहां पर प्रभास के फैंस को काफी लंबे समय से सलार का इंतजार था। फिल्म सलार 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसके बाद से शाहरुख खान की फिल्म डंकी को कड़ी टक्कर दे दी है प्रभास की फिल्म सलार ने। सलार के मेकर्स ने काफी सोच समझकर फिल्म के रिलीज डेट को सामने किया है, जहां पर रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने एक दो बार पोस्टपोन भी किया था। लेकिन अब फैंस की माने तो सलार की कहानी उन्हें काफी पसंद आ रही है। कई फैंस का ये भी मानना है कि केजीएफ फिल्म से मिलती जुलती फिल्म है सलार, लेकिन सलार का बज इतना था कि फैंस तो मानना ही पड़ा कि सलार एक अलग कहानी है। फिल्म की शुरुआत यानी ओपनिंग डे फर्स्ट शो में ही फैंस का एक अलग ही बज देखने को मिला, जहां पर पटाखे जलाकर फैंस ने सलार का वेलकम भी किया है। इसी के साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सलार ने पहले दिन ही 95 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ ही साथ जल्द ही सलार 100 करोड़ के क्लब में शामिल भी हो जाएगी। अब बात करते हैं फैंस के बज की और कहानी की, जहां पर फैंस को ये कहानी भी काफी पसंद आई है और बज भी काफी लंबे समय से था। फिल्म की कहानी को लेकर प्रभास काफी पॉजिटिव थे, जहां पर ये भी कहा जा सकता है कि फिल्म बाहुबली के बाद से प्रभास का ये कमबैक रहा है। डायरेक्टर और एक्टर को तारीफ देनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, जहां पर प्रभास का कमबैक हुआ है। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बजुका के साथ।